गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द पेरेंट्स. तो देयर इज लाइक द ईयर हैज फिनिश्ड, ये पूरा साल हो गया है. एंड मैंने आपसे आज से कोई 4-5 महीने पहले कहा था कि हमें दिसंबर तक का समय दीजिए और वी विल एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल कैन स्पीक प्रॉपरली, कैन रीड प्रॉपरली, कैन राइट प्रॉपरली, कैन लिसन प्रॉपरली. तो जो इंग्लिश के जो स्किल्स होते हैं, ये 3-4 स्किल्स होते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, एंड स्पीकिंग ऑल्सो. बिकॉज स्पीकिंग में और रीडिंग में एक डिफरेंस है. स्पीकिंग नीड्स आर्टिकुलेशन, डिक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन. और हमने ये जितने भी गोल्स थे इस साल के, ये हमने अचीव कर लिए. क्योंकि हर लर्निंग के लिए, अगर आपने SST भी पढ़ना है, साइंस करना है, मैथ्स करना है, तो इन सब सब्जेक्ट्स के लिए कोर इम्पॉर्टेंट जो है, वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है, वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को रीड करना आना चाहिए प्रॉपरली और उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए. मैंने पहले भी कहा था आज से 3-4 महीने पहले कि कोविड की वजह से ये गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था. होपफुली हमने इस गैप को फिल कर दिया है. और वो हमने फिल कैसे किया कि स्कूल में हमने, जैसे सैटरडेज के दिन हमने काफ़ी टारगेटेड वे में वी आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट्स इन ईच एंड एवरी क्लास. उनकी स्ट्रेंथ्स देखी, उनकी वीकनेसेस देखी और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया. और होपफुली आई एम टेलिंग यू एंड मतलब होपफुली क्या है, आई एम टेलिंग यू कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लास में देर 1 or 2 स्टूडेंट्स जिनको अभी और थोड़ी सी मेहनत करनी है. अदरवाइज अगर हम असेस करते हैं, असेसमेंट वो नहीं जो एग्ज़ाम में बच्चा करता है, बट हमारी जो अपनी इंडिविजुअल एक असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल. सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जिसके बारे में मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ, वो है आर्टिकुलेशन बच्चों का. मतलब बच्चे प्रॉपरली बोल रहे हैं, स्टेज फियर उनका जा रहा है, वो अपनी अपने अपनी बात को रखना, जो बात को स्टेज के ऊपर रखना, उसका जो डर होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है स्टूडेंट्स में, जो स्टेज को लेके कॉन्फिडेंस होता है, उसको भी बहुत हद तक हम कम कर चुके हैं. और उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आपने घर में भी आपके बच्चे जिस समय कोई वीडियो बनाते होंगे या स्टेज के ऊपर स्कूल की असेंबली में जब वो बात करते हैं तो वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखते हैं बच्चों के सामने, तो आप उस चीज़ को देख रहे हो. तो ये तो पार्ट, ये जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेरी पार्ट. और आई मे से कि एजुकेशन में, शिक्षा की जब हम बात करते हैं, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो इन सब सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, मैथ्स, इंग्लिश में, SST में, साइंस में, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. और इसके ऊपर हमने लास्ट 6-7 मंथ्स में काफ़ी फोकस किया. और मैं प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ, बट प्राउड इसलिए नहीं फील कर रहा हूँ क्योंकि हम लर्नर्स हैं, हम आज भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट. बट अच्छा लगता है, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि हम इन गोल्स को एकम्प्लिश कर पाए. मैथ्स में 6th और 7th का मैथ्स बच्चों ने कोविड में नहीं पढ़ा था, और 8th का भी. जो भी 9th में स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा हार्डवर्क करना है. बट क्लास 6th 7th में हमने कोविड की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ था उसके ऊपर फोकस किया थ्रू रीजनिंग. हमने स्कूल में इंटीग्रेटेड रीजनिंग का प्रोग्राम भी इंकलकेट किया है. 6th, 5th, 6th, 7th, 8th इवन 9th तक को हम रीजनिंग करा रहे हैं. और उससे क्या हो गया कि मैथ्स के जितनी भी वीकनेसेस थी बच्चों की, वो सारी लाइक एक तरह से वी हैव बीन एबल टू फिल अप दोज गैप्स. क्योंकि मैथ्स में इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो कोविड की वजह से गैप आया था, रिविजन 2 साल ना होना एक बहुत बड़ा इश्यू है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आप समझिए, 2 साल बच्चे ने मैथ्स रेगुलरली नहीं किया था. और हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, रीजनिंग की क्लास अलग चल रही थी, मैथ्स की क्लास अलग चल रही थी. और होपफुली जैसे क्लास 8th में हमने कुछ पॉजिटिव साइंस देखे, क्लास 7th में भी हमने कुछ पॉजिटिव साइंस देखे. इन क्लासेस को लाइटली नहीं लीजिए. 6th, 7th और 8th जब इसका मैथमेटिक्स, बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स 6th, 7th और 8th में जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होंगे, तो अनडाउटली
एम अगेन रिपीटिंग, अनडाउटली आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका 9th और 10th का मैथमेटिक्स बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, और इसके ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया है। स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ टीचर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, इसको मैं खुद देखता हूँ, आई एम पर्सनली इन्वॉल्व इन टू इट। फिर मैथमेटिक्स है, साइंस है, उसमें अनीता मैम है, शुभम सर है, शुभन सर है, और ये सारे टीचर्स मिलके एफर्ट्स लगा रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम सर हो गए, वो ह्यूमैनिटीज़ में वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का लुभे लुभाव ये है कि अच्छी टीम ऑफ टीचर्स है जिनकी वजह से हम इस गोल को अचीव कर सके। अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। इसका रीज़न ये है कि ये जो साल है, दिस होल ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एजेंडा था कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स जो कोविड के गैप में आए, गैप की वजह से क्रिएट हुए हैं, प्लस मैथ्स के, इनको हम फिलअप करें। और मैंने ये कमिटमेंट रखी थी अपने आप के साथ कि बाय दिसंबर हम इसको अकम्प्लिश करेंगे, और जब दिसंबर तक हम देखते हैं हम इस गोल को लगभग अचीव कर पाए। अब ये वीडियो जो आज का है ये क्यों है, क्योंकि बेटा, क्योंकि सॉरी टीचर्स, ये पेरेंट्स, सॉरी, आई हैव अ हैबिट, मैं यूजुअली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये जो साल है, इस साल की जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रहेगी 2023 की, ये हमारी रहेगी कंप्यूटर्स के ऊपर। सी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बाई 2030 या 28, 29, 30 का जो वर्ल्ड होगा वो पूरा डिफरेंट होगा, और हमको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा आईटी के ऊपर। स्कूल में हमने लैब बहुत अच्छी रेडी कर दी है, आप प्रॉबेबली मैक्सिमम पेरेंट्स ने देखी होगी जो नई लैब हमने बनाई है। बट लैब बनाना इनसे कुछ नहीं होता, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो लैब यूज़ हो रही है, क्या स्टूडेंट्स उधर जा रहे हैं। उस पर भी हमने लास्ट 1.5-2-3 months से बच्चे जा रहे हैं क्लास में, वहाँ कंप्यूटर लैब भी कर। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिस पर हमने फोकस करना है, दैट इज़ कोडिंग। कोडिंग हमने अपने बच्चों को सिखानी है, तो और अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखानी है तो उसमें पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट किस सेंस में चाहिए होगा, इसके बारे में मैं आपको जो हमारी अगली पीटीएम होगी उसमें बताऊंगा कि कोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे हमने इसको इंटीग्रेट करना है। बाकी बस यही कहना था, मुझे लगता है विद ऑल दीज वर्ड्स आई एम पुटिंग अ फुल स्टॉप इन हेयर। प्रॉबेबली कल या परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मैंने जब वीडियो बनाएंगे तब उसके 2 दिन के बाद ही शायद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट जस्ट इंश्योर के आप जैसे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ, वैसे ही सपोर्ट करते रहे। आई एम अगेन टेलिंग यू, हमने बहुत सारे गैप्स फिल कर दिए बच्चों के, बहुत सारे गैप्स। असेंबली, बिफोर असेंबली हमने ज़ीरो पीरियड्स कंडक्ट किए उन स्टूडेंट्स के जिनके एकेडमिक गैप्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गए थे, एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू बहुत कुछ अभी और कम्प्लीट करना है। देर आर स्टूडेंट्स जिनके अभी भी इशूज़ है, बट वी विल मैनेज इट। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, स्टे मोटिवेटेड। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, कोविड से पहले पेरेंट्स ज़्यादा मोटिवेटेड थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब एक ना सेंस ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था पेरेंट्स पे अपने बच्चों को, हमने ये भी कराना है वो भी कराना है। तो उस मोटिवेशन को ज़िंदा रखिए, बिकॉज हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर कुछ दे सकते हैं तो दैट इज़ एजुकेशन एंड नथिंग एल्स। बाय बाय एंड टेक केयर।